नमस्कार दोस्तों, टेक यूट्यूबर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज देखिए हमारे पास आ गया प्रिंटर कैनन का G3010। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑन करते हैं प्रिंटर को और थोड़ा सा पेपर डाल लेते हैं प्रिंटर में। देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि E60। ध्यान से देखिएगा, इसमें डिस्प्ले में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा E60। तो इसके लिए सिंपली एक उपाय है, तो इसका मतलब है कि इंक ख़त्म हो गया था और इसके बाद आप लोग फिर भी मतलब प्रिंट हुआ है इसमें, इसलिए मतलब ऐसे गिरर आ गया है। चलिए, जो ब्लैक वाला बटन है, ये फोटो कापी कर वाला शटर बटन बोलते हैं इसको, इसको प्रेस करते हैं 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, देखिए हम लोगों का फिर से मतलब प्रिंटर रेडी हो चुका है। चलिए हम कुछ फोटो का भी कर लेते हैं। देखिए हम लोग का ये टेस्ट पेज है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ से प्रोफा करते हैं। थोड़ा कुछ समय लगेगा क्योंकि इंक जो लेवल था वो ख़त्म हो गया था, तो कुछ तो टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से मतलब कि ये प्रिंटर होने लगेगा। देखिए दोस्तों, ये प्रिंट आउट होने लगा। देखिए दोस्तों, फोटो कॉपी था ये,